मेरा नाम शिवजीत है, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ और आज मैं आपके साथ दो ऐसी घटनाएं साझा करने वाला हूँ जिन्होंने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी दर्शकों को मेरी ये दोनों कहानियाँ जरूर पसंद आएंगी। पहली घटना मेरी माँ संगीता चक्रवर्ती के साथ घटी थी। ये बात साल 1989 की है। मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त थी स्वर्णा, जिनके घर जाकर खेलना कूदना पढ़ना मेरी माँ का लगभग रोज का काम हुआ करता था। स्वर्णा की माँ मेरी माँ को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। एक बार 7 जनवरी 1989 को मेरी माँ रोज की तरह स्वर्णा के घर पढ़ने जा रही थी। रास्ते में ही रामू काका की दुकान आती थी और रामू काका ने मेरी माँ को रोक कर कहा, कहाँ जा रही हैं? मेरी माँ थोड़ा हैरान होकर बोली, स्वर्णा के घर जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? इस पर रामू काका ने जवाब दिया, एक बुरी खबर है, तुम्हारी दोस्त स्वर्णा की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। स्वर्णा काफी सदमे में थी, इसलिए उसके पापा ने उसे उसकी मौसी के घर भेज दिया है। ये सुनकर मेरी माँ को काफी दुख हुआ, लेकिन रामू काका की बात पर उन्होंने बिल्कुल यकीन नहीं किया और वह स्वर्णा के घर निकल पड़ी। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि स्वर्णा की माँ खिड़की से उन्हें आवाज लगा रही है और पलक झपकते ही वो मेरी माँ के सामने आ खड़ी होती है। ये देखकर मेरी माँ बुरी तरह से डर गई और किसी तरह वहां से भाग निकली और दोबारा कभी स्वर्णा के घर नहीं गई। आज भी इस घटना को याद करके मेरी माँ काफी घबरा जाती है। उन्हें आज भी अकेले में ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्णा की माँ उनके आसपास मौजूद है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 15 साल का था। हमारा घर शहर से काफी दूर था, जिस कारण पापा का ऑफिस जाना, मेरा और दीदी का स्कूल जाना काफी मुश्किल था। इसलिए पापा ने शहर में किराए का कोई घर ढूंढने का फैसला किया। हमें शहर में एक 3 BHK फ्लैट मिला, जो पहली नजर में ही हमें बहुत पसंद आया। यहाँ शिफ्ट होने पर मेरा और मेरी दीदी का स्कूल जाना और पापा का ऑफिस जाना काफी आसान हो चुका था। करीब 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी मकान मालिक के बेटे और आस पड़ोस के लोगों से गहरी दोस्ती हो गई। मुझे स्मार्टफोन काफी पसंद था, तो इसलिए पापा ने मुझे एक स्मार्टफोन दिला दिया। किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास के घर में वाईफाई हमेशा ऑन रहता था, तो इसलिए ट्यूशन से आने के बाद मैं अक्सर अपने स्मार्टफोन में लग जाता था या फिर दोस्तों के साथ पास के मैदान में खेलने चले जाता था। उस मैदान में थोड़ी ही दूर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसके पास कोई नहीं जाता था। उसके बारे में ये कहा जाता था कि वहां पर एक चुड़ैल रहती है, लेकिन मैं इन सब बातों में कभी विश्वास नहीं करता था। एक दिन रोज की तरह मैं फोन चलाते हुए पता नहीं कब उस बरगद के पेड़ के पास चला गया। फोन चलाने में मैं इस कदर मगन हो गया कि पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई कि तभी अचानक मेरे मुंह पर एक तेज हवा का झोंका लगा और किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो पेड़ की डाली पर एक चुड़ैल अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी। ये दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। इससे पहले कि वह चुड़ैल मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली रात हमारे घर का मेन दरवाजा अपने आप खुल गया। मेरे पापा रात को जब उठे तो बोले, ये दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? कोई चोर वगैरह घुस गया तो? हालांकि मैं दरवाजा पूरी तरह लॉक करके ही सोया था, लेकिन ये सुनकर मैं काफी हैरान था कि ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया। उसी रात मेरी माँ को ऐसा लगा
कि जैसे कोई उनके पैर को कसकर दबा रहा है। और सुबह उनके दोनों पैर काफी सूज चुके थे और उनके हाथों पर जगह जगह काले दाग लगे हुए थे। अगली रात मेरी दीदी को भी ऐसा लगा कि जैसे कोई उनका गला दबा रहा है। हम सब अब इस कदर डर चुके थे कि हम चारों एक ही कमरे में सोते थे। घर पर कोई अकेला नहीं रहता था। दिन ब दिन हमारा जीना काफी मुश्किल हो गया था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह चुड़ैल हमारे पीछे पड़ चुकी है, लेकिन मेरी बात का विश्वास करता भी कौन। रात को कभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती तो कभी ऐसा लगता कि जैसे कोई दरवाजा खटका रहा है, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई 24 घंटे हम पर नजर रखे हुए है। इन सब से हताश होकर हमने मकान मालिक और आस पड़ोस के लोगों को हमारे साथ हो रही इन घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं था। सबके सब डरे हुए थे। तभी एक बूढ़े आदमी ने हमारे पास आकर कहा कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक विधवा औरत रहती थी। उसके पति के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। वो औरत एक दिन जादू टोना करती हुई पकड़ी गई और लोगों ने उसे और उसके बच्चे को उस बरगद के पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया, जिसमें उसकी बच्ची बेमौत मारी गई। आज भी अक्सर रात के समय उस चुड़ैल को उस पेड़ के आसपास देखा जाता है। वो चुड़ैल अपनी बच्ची की मौत का बदला लेने के लिए भटकती रहती है। उस पेड़ के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते हैं, इसलिए वहां पर कोई नहीं जाता। और आपके बेटे ने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की है। आपका यहां रहना अब खतरे से खाली नहीं है। वो चुड़ैल आपको नहीं छोड़ेगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप यहां से चले जाएं। और अगले ही दिन बिना समय गवाए हम सब वहां से फटाफट निकल पड़े और एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। आज भी ये घटना मेरे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होंगी। अगर आप भी कुछ ऐसी ही कहानियां हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।